हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अर्चना में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अभी मार्केट में गिरावट के कारण स्टॉक में भी गिरावट हो रही है, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक जो कि आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दिला सकता है, तो ऐसे ही स्टॉक की बात करने वाले हैं। दो स्टॉक की बात करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक की जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, जिसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये शानदार मौका है। पहला जो स्टॉक का नाम है, जिसका नाम है NHPC, ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 40,230 करोड़ का है। स्टॉक जो है अपने 46 रुपये के हाई से अभी डिस्काउंट पर चल रहा है। 52 वीक हाई इसका इस स्टॉक का 46 रुपये का बनाया था और अभी ये स्टॉक 40 रुपये पर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी है, मतलब डिविडेंड भी देती है कंपनी। 4.56% की डिविडेंड देती है ये कंपनी और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक खुद एनालाइज करके देख सकते हैं, इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो स्टॉक है, जिसका नाम है HJVN लिमिटेड, ये भी एक पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर जनरेट करती है। 12674 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका करंट प्राइस अभी 32 रुपया के आसपास चल रहा है। फेस वैल्यू इस स्टॉक का भी 10 रुपये का है, बुक वैल्यू 35 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी है, ये स्टॉक भी डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये दोनों स्टॉक जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस दोनों स्टॉक में देखा जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म के व्यू से इसे हम सभी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर ले लें। स्टॉक में फ्यूचर के व्यू से इन्वेस्ट करने का शानदार मौका मिल रहा है। दोनों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, फ्यूचर में बढ़िया कर सकती है। इन दोनों कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, तो गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए आप इसे लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।